पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। पाकिस्तान और जम्मू कोरिया के दरमियान केरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इसाक डार पीटीआई के एमएनएस को डिनोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। पीटीआई हर तरफ इतनी दस्तकें दे रही है कि आपकी सोच नहीं। फैसल वाबडा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पीड 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिज़वान अली। चलते हैं कुछ अहम खबरों की जानिब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसके लिए 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे, जबकि इजलास में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की मजम्मत में करारदाद पेश की जाएगी। एजेंडे के मुताबिक इजलास में वालदेन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2022 कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। दौरान इजलास सीपैक, बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली और खर्चा पॉलिसी पर बहस की करारदाद भी पेश की जाएगी। पाकिस्तान और जम्मू कोरिया के दरमियान केरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इसाक डार। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और जम्मू कोरिया के दरमियान केरे दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान में जम्मू कोरिया के सफीर सुसांग पीओ के साथ मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत दो तरफा दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। उस मौके पर वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए खजाना तारिक बाजवा, मावन खुसूसी बराए मौसला तारिक महमूद पाशा और वजारत खजाना के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने पाकिस्तान और जम्मू कोरिया के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात पर रोशनी डाली और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमाकारी, आफादी कुव्वत के तबादला और तरक्याती तावन के शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को उजागर किया। पीटीआई के एमएनएस को डिनोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के 43 अरकान कौमी असेंबली एमएनएस को डिनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई एमएनएस रियाज फितियाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। पीटीआई अरकान के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि बताइए किन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आयन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान असेंबली इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। अदालत ने 43 अरकान असेंबली को डिनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया और 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी तामसानी रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरकीन को नोटिफिकेशन जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पीटीआई हर तरफ इतनी दस्तकें दे रही है कि आपकी सोच नहीं। फैसल वाबडा। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने कहा कि गरीबों के पास खाने को नहीं है वो जेल भरो तहरीक में क्यों जाएगा। एक निजी प्रोग्राम में बात करते हुए फैसल वाबडा ने कहा कि इतनी मकबूलियत होने के बावजूद इमरान खान ने असेंबली तोड़कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो सूरतहाल नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। सुल्फिकार अली भुट्टो बहुत मकबूल थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी गयी। गरीबों के पास खाने को नहीं है वो जेल भरो तहरीक में क्यों जाएगा। जेल भरने से पीटीआई को क्या फायदा होगा। ये क्या रवायत बुनियादी गई है। जो जेल में जाएगा बड़ा लीडर बन जाएगा। फैसल वाबडा का कहना था कि इमरान खान गालम गलोच लड़ाई जेलों के अलावा कोई मुस्बत काम करें। इमरान खान गंदे लोगों को साइड करके पार्टी के अच्छे लोगों को सामने लाएं। मैं हवाओं के खिलाफ इमरान खान के लिए ही खड़ा हुआ हूँ। मैंने जो बातें की वो ठीक निकली। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई इमरान खान के बिना कुछ नहीं। इमरान खान ही पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है। इमरान खान को बार बार कहता था उनके लिए मुसीबतें करीबी लोगों की वजह से खड़ी हुई है। वो लोगों के गलत मशवरों पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम से मुतालिक सवाल पर फैसल वाबडा ने कहा कि हर तरफ दस्तक दी जा रही है। इतनी दस्तकें दी जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। यूं समझ लें घंटी की तारें काट कर डायरेक्ट कर दी गई हैं। इमरान खान एक अच्छे इंसान और लीडर हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। वो कभी इदारों के खिलाफ नहीं थे। आज ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं यकीन नहीं आता। सांप के बच्चे पार्टी के मुखलस लोगों को इमरान खान के करीब नहीं आने देते। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए हमारा फेसबुक, ट्विटर और हमारी वेबसाइट विजिट करें।